अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका होस्ट मुबशर हुसैन अपने चैनल माय लाइफ इन कनाडा में हाजिर है। आज हम बहुत अच्छी सौगात बनाने जा रहे हैं, जो है मूली और आलू के पराठे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं आलू और मूली के पराठे, और वो भी बग़ैर आटा गूंदे और बग़ैर पेड़ा बनाए। बहुत ही आसान रेसिपी है और झटपट तैयार होने वाली है। ये हमारे पास एक आलू है, मैश किया हुआ है, इसे बॉईल करके मैश कर लिया है, और ये धनिया है, ये मूली है कद्दूकस की हुई है। ठीक है, अच्छा जी, ये हैं इसके मसाले जिसके अंदर डाले हैं हमने। ये है धनिया 2 टीस्पून, ये 1 टीस्पून जो है ये ज़ीरा है, और ये लहसुन और हरी मिर्च है। इसको मैं अपने चटपटे में जो है ना वो करूँगी मैश, और ताकि किसी के मुंह में ना आए। और ये है मेथी जो कि मेरे घर की होममेड मेथी है। और ये है अजवाइन जिससे बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। और ये गरम मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ आज, क्योंकि 19 कोविड की वजह से ये बहुत ही अच्छा है, ये इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करता है। और ये 1/2 टीस्पून मिर्च और नमक है। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच सूखा धनिया डाला है, और 1 चम्मच जो ज़ीरा डाला है, और बिल्कुल खुश जो है ना फ्राई पैन उस पर मैंने इसको गर्म कर रही हूँ। तो थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा तो ये इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसको, और बिल्कुल लो फ्लेम पे कर रही हूँ। ठीक है, चलिए ये हो गया। और अब मैं ना जो मेरा फेवरेट चट्टू बटा है इसके अंदर मैं इसको हल्का हल्का सा कूट लूँगी, उससे इसकी खुशबू और ज़्यादा निकलेगी। मुझे अपना चट्टू बटा बहुत पसंद है। देखिए, इसमें 3 मिनट लहसुन की जवे डालूंगी, और ये 2 मैंने हरी मिर्च काटी है, तो मैं इनको भी थोड़ा काटूंगी, उससे ये है कि जो मिर्च है मुँह में नहीं आएगी, उसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा। ये इसमें 1 डोंगे का चम्मच में मैदा डालूंगी, और 1 चम्मच जो है ना मैं इसमें जो घर में आटा आम यूज होता है ये वो है। ठीक है, एक अंडा डालूंगी इसके अंदर, और फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करूंगी। सारे मसाले जो मैंने बनाए थे वो डाल दिए इसके अंदर। ये धनिया डाल रही हूँ, ये डाला था हमने, ये आलू और मूली डाल दिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मूली अपना पानी छोड़ेगी, तो लिहाजा पानी का जो है ना ख्याल रखना है। इसके अंदर जो धनिया और जीरा हमने कूट के डाला है, और लहसुन और हरी मिर्च, इसका इंशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अंडे की वजह से जो है ना ये इंशाल्लाह भुनने में इसको आसानी होगी।
माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बैठ रहे, तैयार हो गया। अच्छा अपने ये ख्याल रखने के लिए इसको ना तो अपने अच्छी तरह से मिक्स करना ताकि इसके अंदर लाभ आ जाए। अच्छा बैटर तैयार होगा, उतनी अच्छा पराठा जो है वो बनेगा इंशाल्लाह। ये देखें कितना अच्छा ये मिक्स हो गया। ठीक है, ये मैंने पहले फ्राई पैन रख दिया था, इसको मैं ऑयल लगा रही हूँ। ठीक है, इस बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, बहुत अच्छी तरह मिक्स करना ताकि ये जो है ना, ये देखें ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ज़्यादा पतला है। वो बच्चियाँ जिन्हें आलू की रोटी है, मूली की रोटी बनाने में मसला होता है, मूली की रोटी वैसे भी पानी छोड़ देती है, आप उसको जितना भी उसे खुशक करो फिर भी, और अगर आप मूली को पहले फ्राई कर लें तो उसके सारा जो जायका होता है ना वो खुश्क हो जाता है मूली के पानी का। मैं तो ये समझती हूँ अगर उसे दबा के निकाल दें तो ये तरीका सबसे अच्छा है कि आटे में थोड़ा पानी डालें, मूली जो अपना पानी छोड़ेगी तो उससे जो है ना ये इसके वो रोटी बनाने में आसानी कितनी है। ये देखें आप, जो बच्चियाँ नहीं बना सकती वो तो बड़े आराम से अब ये बना सकती हैं। देखिए अब हमारा पराठा तैयार हो गया और देखिए कितनी प्यारी सी लुक आ रही है। चलो बच्चे अब तो मुझे खा के बताओ कैसा लग रहा है। अच्छा जी, बच्चे मुझे चैलेंज कर रहा है कि मामा बड़ा पराठा बना सकती हैं कि नहीं, इसमें उनका क्या मुश्किल है। चलो ट्राई करके देख लेते हैं कि ये मेरा चैलेंज है, और अगर आपने चैलेंज कबूल कर लिया तो मैं भी आपको इनाम के तौर पे 3 पराठे एक वक्त में खा के दिखाऊंगा। इनाम के तौर पे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। हाँ यही तो इनाम है, इसलिए आप बना ही नहीं सकेंगे। नहीं नहीं देखा है, ये तो बन रहा है। ओ नहीं, मैंने नहीं खाना 3 पराठे, एक ही खाना है, बहुत है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें खिलाऊंगी, मैं तो देखती हूँ। आप मैं सब बहुत प्यार करती है। कुछ कुछ बोलो, कुछ कुछ देखे, तंदूर वालों का पराठा तैयार हो गया। तंदूर वालों का पराठा इतना बड़ा नहीं होगा, थोड़ा तेज हो गया। माशाल्लाह अम्मी, आपके हाथ में तो लज्जत भी है। प्लेट में नहीं आएगा पराठा, इतना बड़ा बना दिया, प्लेट में भी नहीं आना ना मेरे पेट में आना। प्लेट में नहीं आएगा, पूरे घर के वालों के पेट में आएगा ये पराठा।
देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत पराठा बन रहा, पता नहीं प्लेट में पूरा आता है कि नहीं आता। हमारा हमने लॉजिक सोची हुई थी और आज हमने लॉजिक को अप्लाई किया और देखिए हमारा पराठा वगैरह पेड़ा बनाए, हम पराठा बना रहे हैं इतना बड़ा पराठा, और इतना बड़ा पराठा अभी आपको तोड़ के दिखाएंगे और हम खा के दिखाएंगे, आपको नहीं खिलाएंगे। देखिए जी हमारा आलीशान बड़ा अफगानी साइज का पराठा तैयार है, जिसका अफगानी नान मिलते हैं इसका ये अफगानी पराठा है। हाँ जी हम कहते हैं इसको नाम ही अफगानी पराठा रख देते हैं, अफगानी पराठा तैयार है। चलो खाते हैं, चलो खा के बताओ कि कैसा है इसका टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बनते वक्त तो मजा आ ही रहा था देखने का, इंशाल्लाह खाने के बाद और मजा आएगा खूब। जी भी जायका इसने फर्क किया, चलो क्योंकि आपने बैटर बना के पराठा बनाया ना। अम्मी माशाल्लाह आपके हाथ में बहुत जायका है। गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेयर लाइक एंड कमेंट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।